अभी अभी एक न्यूज आई है कि तेलंगाना के होम मिनिस्टर श्रीमान मोहम्मद अली जी को कोरोना पॉजिटिव आया। मुख्यमंत्री जी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आ रहा है कि किसको भी, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, अगर किसको भी कोरोना पॉजिटिव आता है तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही इलाज करेंगे। तो मैं मुख्यमंत्री से ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अब आपके होम मिनिस्टर को पॉजिटिव आया है, आपके डिप्टी स्पीकर जी को पॉजिटिव आया है, तो हमारे डिप्टी स्पीकर साहब जैसो यशोदा प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा रहे, और होम मिनिस्टर साहब अपोलो में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां इलाज करा रहे। तो मेरा क्वेश्चन ये है मुख्यमंत्री जी से, आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर आपके होम मिनिस्टर, आपके डिप्टी स्पीकर को ही विश्वास नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? कैसा विश्वास करेगी आम जनता आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर? मुख्यमंत्री जी, मैंने आपको बार बार, मैं यही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल विजिट कीजिए। आज की परिस्थिति क्या है देखिए, कोरोना पॉजिटिव केसेस किस तरह से तेलंगाना में बढ़ते जा रहे, लोग मरते जा रहे, और अभी भी आप सही डाटा भी नहीं बता रहे, और सही प्रकार से आप चेकअप भी नहीं करे, आप टेस्टिंग भी नहीं करे, सब चीज रोक दिए। मुख्यमंत्री जी, तेलंगाना की जनता से खिलवाड़ ना करें, गरीब जनता से खिलवाड़ ना करें, और एक बार आप जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, पूरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप विजिट कीजिए, देखिए वहां की परिस्थिति क्या है। लोग तड़प रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हाल ही में एक लड़का मरते मरते उनके पिताजी को, पापा मैं मर रहा हूं, मेरी सांस लेने में मुझे दिक्कत आ रही है, अब मैं मर रहा हूं, किसी प्रकार से कोई सुविधा मुझे नहीं मिल रही है, मैं मर रहा हूं, ये स्टेटमेंट देकर वो लड़का मर जाता है। ये परिस्थिति आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है मुख्यमंत्री जी, ये परिस्थिति आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल की।